हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तुबा फातिमा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैं आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग रेमेडी बताने वाली हूँ जो हमारी स्किन ब्राइटनिंग के लिए होने वाली है। सो उसके लिए हमें चाहिए हाफ टमाटो, और इसका हमें क्या करना है वो आप लोग देख रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वरना आप लोग नहीं समझ पाएंगे। सो इसके अलावा जो हमें एक और इंग्रेडिएंट चाहिए वो क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, बट आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिएगा। सो जो हमारा टमाटो जूस होता है, इसके जो हमारे फ़ायदे होते हैं वो होते हैं स्किन लाइटनिंग के लिए होता है। टमाटो जूस हमारे स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है, पिम्पल एंड एक्ने को कम करने में हेल्प करता है, ऑयलनेस को कम करता है, और जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उसे टाइट करने में हेल्प करता है। सो ये मैंने कद्दूकस कर लिया है टमाटो, हाफ टमाटो, एंड देन मैं इसका जूस निकाल लूँगी। अगर आपको लगता है कि कम है हाफ, मतलब आपके हिसाब से, सो आप पूरा टमाटो भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं आपको हाफ लेना है या फुल लेना है, ठीक है। सो ये टमाटो जूस है, ये मैंने आपको इस बाउल में दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने स्पून में कर लिया था जो भी था, तो ये एक टीस्पून निकल आया था, मुझे एक टीस्पून ही चाहिए था। सो मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ इसका डेमो देने के लिए, अपने फेस पे आपको यूज़ करके दिखाने के लिए कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। सो ये वही है टमाटो जूस है ये जो निकाला था मैंने हाफ टमाटो से कद्दूकस करके, एंड देन जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। सो मिल्क जो होता है एक नेचुरल फेस क्लिंजर होता है, ग्रेट मॉइस्चराइज़र होता है। ये मैंने वन टीस्पून मिल्क लिया है एंड वन टीस्पून ही टमाटो जूस था, दोनों इक्वल क्वांटिटी में ही लिए हैं मैंने। अब मिल्क भी हमारी स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है एंड एक्सफोलिएट्स करता है स्किन सेल्स को। सो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है, वन टीस्पून टमाटो जूस, वन टीस्पून मिल्क, दोनों को मिक्स करके मैं कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। आपके पास कॉटन पैड हो या फिर कॉटन बॉल हो, आप कैसे भी मतलब करके आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो पूरे फेस पे मैं बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी जितना भी मैंने बनाया है वो पूरा ही मैं अप्लाई कर लूँगी धीरे धीरे करके। सो आप देख ही सकते हैं मेरे पूरे फेस पे अप्लाई हो चुका है अच्छी तरह से, एंड देन मैं इसे 5 से 10 मिनट्स बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी, इसे ड्राई होने के बाद में सादे पानी से मैं इसे वॉश कर लूँगी। सो फाइनली मैंने वॉश कर लिया है, एंड देन आप देख सकते हैं। आई होप If you like this video, do like, share, subscribe my YouTube channel, and don't forget to turn on the bell notification. Skin बहुत ही ज़्यादा soft हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा glow कर रही थी, आप लोग खुद देख सकते हैं। And ठीक है, follow me on Instagram tubafatima59, link in the description box. And bye everyone, Allah Hafiz.